नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार के लाल जो कि आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, उनका शव पटना लाया गया है। आपको बता दें कि आतंकियों से लोहा लेते हुए बिहार के शहीद जवान रमेश रंजन का शव पटना एयरपोर्ट लाए गए। तस्वीरें आप पटना एयरपोर्ट की देख रहे हैं, देखिए किस तरह से पटना एयरपोर्ट पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए नेता और अधिकारी उमड़ पड़े। आपको बता दें कि इस दौरान बिहार बीजेपी के सीनियर लीडर नंद किशोर यादव भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही साथ तमाम अधिकारी, सेना के जवान और सभी लोग मौजूद थे वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए। आपको बता दें कि श्रीनगर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे भोजपुर के लाल रमेश रंजन। दरअसल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों को पहले मार गिराया। आतंकियों को मुठभेड़ जवाब देने के लिए रमेश आगे बढ़े और उनको भी गोली लग गई और वे शहीद हो गए। CRPF के जवान रमेश रंजन भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड के देवटोला गांव के रहने वाले थे। CRPF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लश्कर हिजबुल व JKIS के तीनों आतंकियों को मार गिराने में रमेश रंजन की अहम भूमिका रही। रमेश CRPF के 73वीं बटालियन में तैनात थे। उनके पिता राधा मोहन सिंह बिहार पुलिस के सेवानिवृत्त SI रह चुके हैं। रमेश की पहली पोस्टिंग 2011 में उड़ीसा में हुई थी। 4 भाइयों में सबसे छोटे रमेश की शादी साल 2016 के साल में हुई थी। बढ़हरा के गुंडीसरैया निवासी विजय राय की पुत्री बेबी राय के साथ हुई थी। अभी फिलहाल घर में गमगीन माहौल है। उनका अंतिम संस्कार भोजपुर जिले में किया जाना है। और इस बीच ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उमड़े हैं। वहाँ पर सेना के अधिकारी हैं, CRPF के अधिकारी हैं। अरे सामना सामने रखवाए ना सर। अरे मच्छर दीजिएगा, फोन कट रहा है। भैया भैया भैया, इसके साथ ही साथ नेता मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।